हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं बुरुडी डैम और मेरे साथ भैया लोग भी जा रहे हैं, देख सकते हो सब के सब भैया लोग। तो हम लोग सब जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए और देख सकते हो। तो चलते हैं जल्दी जल्दी से वीडियो में, बाकी बात करते हैं आगे जाके। तो अभी निकल रहे हम लोग पेट्रोल पम्प, जल्दी जल्दी से तेल फुल कराते हैं क्योंकि लाइट अभी कर रहा है ब्लिंक, और जल्दी पेट्रोल पम्प पहुँच के तेल ले लेते पहले। तो पेट्रोल पंप में तेल के पास, गाय के पास लेते हैं पेट्रोल पंप में तेल। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, पेट्रोल हम लोगों ने करवा लिया है, अब निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ देख सकते हो टोल पहुँच चुके हैं, और टोल से आगे बढ़ने के बाद ये घाटशिला पहुंचने से पहले ही आपको लोगों को टोल मिलेगा। ये टोल आप लोगों को घाटशिला पहुंचने से पहले मिलेगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते जल्दी, शंभू भी आ रहा है, देख सकते हो मंदिर, सारे लोग यहाँ रुके हुए थे। बाकी सारे जो यहीं पे रुके हुए थे, और अभी हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मंदिर का, कुछ दर्शन कराता हूँ। तो अभी रास्ते में एक मंदिर पड़ा है और हम लोग दर्शन करते हैं मंदिर का, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सब हम लोग रुके हुए थे यहीं पे, और सामने देख सकते हो मंदिर, बहुत ही प्यारा मंदिर है ये। तो चलते हैं मंदिर, उसके बाद फिर बाकी का देखते हैं कैसा होता है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग हाथ मुँह धोने के लिए ताकि दर्शन कर पाए मंदिर में, और जल्दी से हाथ पैर धोते। देख सकते हो कमल और शंभू अभी हाथ पैर धो रहा था, अभी तो मैं जा रहा हूँ जल्दी से धो लेते हैं, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी से मिलते हैं मंदिर के अंदर। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर पे, और मंदिर परिसर में बहुत ज़्यादा भीड़ है देख सकते हो, और ये कंप्लीट मंदिर का एरिया है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ, यहाँ का भी व्यू बहुत ही प्यारा है। अरे पंडित जी पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो, और ये शक्तिपीठ चलता है। तो गाइस ये यंत्र कोयंबटूर से लाया गया था देख सकते हो। बाबा भोलेनाथ का ये शिवलिंग है, और यहाँ पूरा फैमिली भी राजे हुए। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे, हो गया दर्शन अच्छे से। 2,20,000 कार का उतना इसका भी दाम है। तो गाइस यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे और चलते हैं हाईवे से आगे।
अभी हम लोग यहाँ नाश्ता करने के लिए रुके हुए थे, देख सकते हो सब यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। अरे भैया तो पी भी जा रहे हैं, सब वेट कर रहा है, बाकी सबका भी नंबर आएगा अभी खाने के लिए। तो गाइज अभी पहुंच चुके हैं बुरुडी डैम और ये देख सकते हो पीछे कंप्लीट पहाड़ वगैरह का व्यू, और यहाँ पे देखना पूरा। तो गाइज अभी मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ व्यू वगैरह, यहाँ का बहुत ही बेस्ट व्यू है, और जो चीज़ मैं आँख से देख पा रहा हूँ पता नहीं आप लोग वीडियो में देख पाओगे कि नहीं, और आई होप सो एक बार ज़रूर आना यहाँ पे। और पिकनिक का टाइम है तो रश भी है यहाँ पे, मैं आप लोग, और अमित पीछे पीछे है, पता नहीं किसका वेट कर रहा है। अमित चलना है कि फिर वहीं रहना नीचे? चलो। तो गाइस सब चल रहे हैं ऊपर, भाई पेड़ बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे, और सब एक लाइन से है, कसम पहाड़ में चढ़ा रहे, कहाँ चढ़ा रहे शंभू? पहाड़ चढ़ रहे हैं अभी, ऊपर से जाके देखेंगे, ऊपर से चल के देखते हैं कुछ व्यू जबरदस्त वाला, ऊपर से कुछ सिनेमेटिक में दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। शंभू अभी चढ़ रहा है, देख रहे हो रफ्तार, देखना एक बार। कमल भी बैठा हुआ, तो हम लोग भी स्पीड स्पीड में चढ़ते हैं। देखो क्या ये कमल भैया, बहुत ये हार्ड है। क्या हार्ड है? चढ़ना बहुत हार्ड है। काय गाइस देख सकते हो ये एरिया कंप्लीट पिकनिक वगैरह के लिए, और यहाँ बैठ के आप आराम से खा सकते हो फैमिली के साथ, और यहाँ देखना सामने ही एकदम लेक का व्यू है, और जस्ट इसके बगल में देखना ये कंप्लीट पत्थर वगैरह है, जहाँ पर आप बैठ के अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो पिकनिक वगैरह। और ऐसे दिसंबर का टाइम है तो पिकनिक में संडे के टाइम में बहुत ज़्यादा रश होगा, आई होप सो आप लोग जल्दी आइए पिकनिक एंजॉय कीजिए बुरुडी डैम में, और इसका भी अपना ही एक मज़ा है। और ये देखना यहाँ से सामने ही एकदम लेक का व्यू, तो सामने ही आप लोगों को लेक का व्यू मिलेगा। और मैं और शंभू फिलहाल तो चल रहे हैं आगे, यहाँ सामने में ही मछली पालन किया जाता है, यहाँ देख रहे हो सामने मछली पकड़ने का पूरा लगा हुआ है, तो सामने से इसको भी अब हम आप लोग कवर करते हैं और आपको दिखाते हैं सामने से। और यार इंजॉय अपना ही है, अलग ही है, और हम लोग खाना रेडी हो रहा है सामने बनने के लिए, हम लोगों ने दिया है यहाँ सामने में, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं, और यहाँ के लोकल लोग ही यहाँ पे होटल चलाते हैं, और मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को, खाना वगैरह बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। और तो गाइस हमारा चिकन और राइस बन के रेडी है, और देख सकते हो, तो अभी खाते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर आगे भी बात करते कंटिन्यू, ठीक है? तो मिलते हैं, कंटिन्यू वीडियो देखना। के बाद अभी हम लोग निकल गए हैं धारागिरी वाटरफॉल, जो कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, और यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि यह वाटरफॉल बारिश के वक्त और भी खूबसूरत रूप ले लेती है। हाँ तो गाइस अभी गाड़ी हम लोगों ने जस्ट पार्किंग किया, और यहाँ से हम लोग को चलना है थोड़ा सा पैदल ट्रैकिंग करना, और तब जाके मिलेगा वाटरफॉल, तो जल्दी सब चलते हैं वाटरफॉल, और कुछ व्यू भी देखते हैं वाटरफॉल का भी कैसा है नज़ारा। और पीछे पीछे देख रहे शंभू कमल अमित सब कोई पीछे है।
गाइस कुछ भैया लोग आए हुए थे घूमने के लिए और देख सकते हो वहाँ है वाटरफॉल। और भैया घूम के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर जगह है। जगह तो बहुत ही प्यारा है, जैसा कि देख सकते हो आप लोग, ये व्यू देखना एक बार, पूरा नेचर के बीच में ये झरना है। और आई होप सो आप लोग जल्दी आइए घूमने के लिए, बहुत ही प्यारा जगह। और भैया मजा आया ना? बहुत मजा। चले ठीक है, मिलते हैं फिर। जैसे लग रहा है कि अमरकंटक आया हुआ, अमरकंटक के जैसा नजारा है यहाँ का नजारा, जैसे कि सुन सकते हो भैया लोग को ऐसे ही बहुत पसंद आया यहाँ का नजारा एकदम। चले ठीक है भैया, मिलते हैं फिर। ठीक है, बाय बाय।